Romana. मनुष्यों की मौलिकता एक समान है, शुद्ध बुद्ध, निर्मल निर्विकार। मौलिक रूप से कोई जीव, कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है, दुष्ट या दुर्जन नहीं है। मौलिक रूप से दुखी और बंधन युक्त नहीं है। मौलिक रूप से हर जीव शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार परमात्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, भगवत स्वरूप, कृतार्थ। चाहे स्त्री शरीर में हो जीव, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे रागी हो चाहे भोगी, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, मूल रूप में एक समान। अंतर कहाँ है? समझ में, कर्म। समझ को, कर्म और आचरण को ठीक कर ले तो दुर्जन सज्जन बन जाए। सज्जनता स्वरूप है उसका, दुर्जनता दुष्टता जीव का स्वरूप नहीं है। बंधन विकार जीव के स्वरूप नहीं है। यदि दुष्टता या दुर्जनता विकार जीव के स्वरूप में होते तो कभी इनका त्याग नहीं किया जा सकता। इनका त्याग होता है इसका मतलब ये आरोपित है। हमने इन्हें बाहर से पकड़ रखा है। मनुष्य मात्र की मौलिकता और दोनों में अंतर बताते हुए सदगुरु श्री राम रहता है पंचग्रंथी में कहते हैं, फेर बरा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माय, फेर बरा कछु बूझ में, सो निर्वारिव नाय। स्त्री पुरुष, रागी विरागी, सज्जन दुर्जन के शरीर में लगे हुए जो तत्व हैं उनमें कोई अंतर नहीं। जिन मिट्टी पानी आग हवा से पुरुषों का शरीर बना है उन्हीं से स्त्रियों का बना है। जिन मिट्टी पानी आग हवा से विरागी का शरीर बना है उन्हीं से रागियों का भी शरीर बना है। रागी और विरागी, सज्जन और दुर्जन इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, इनमें भी अंतर नहीं है। स्त्री पुरुष के शरीर के कुछ अंगों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों की आंख बराबर, नाक बराबर, कान बराबर, मुंह बराबर, हाथ पैर बनावट एक बराबर, अंतर कहाँ है? और जो जीव है इस शरीर के भीतर बैठा हुआ, जो चेतना है उसमें भी अंतर नहीं है, अंतर कहाँ आया? शरीर संबंध से समझ में, फेर परा कछ पूछ में, पूछ में समझ में निश्चयता में अंतर हुआ। एक रागी बन गया, एक विरागी बन गया।
जो आज विरागी रागी है वो कल विरागी भी बन सकता है, जो आज विरागी है कल रागी था। जो आज सज्जन है कभी वो भी दुर्जन रहा है, जो आज दुर्जन है वह कभी कल चाहे तो सज्जन हो सकता है। इसलिए कभी किसी आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हमें कोई शक्ति नहीं है, हम तो दुखी हैं, हम तो बंधन में डूब गए हैं, पड़ गए हैं, जाल में उलझ गए हैं। कभी हिम्मत ना हार, सारे बंधन आपके बनाए हुए हैं और आप में अपने सारे बंधनों को काट कर पूर्ण स्वतंत्र निर्मल निर्विकार और पूर्ण सुखी होने का बल है। बस अपने बल को अपनी ताकत को समझना है और समझ करके उसका प्रयोग करना है। पर कहाँ है? दूर से सज्जन और दुर्जन को देखकर पहचान भी नहीं सकते हैं। रागी बिरागी की पहचान बाहर से कैसे है? कपड़ा से पहचानना बाहर का, कपड़े को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक रागी है अमुक बिरागी है। हमारे जैसे कपड़े में भी महारागी और भोगी दुष्ट लोग हो सकते हैं और आपके कपड़े में भी महाविरागी सज्जन जो मुक्त हो सकते हैं। कपड़े से पहचान नहीं होती, पहचान आचरण। मौलिकतम अंतर तो नहीं है, लेकिन जो अंतर आ गया है कर्म से आचरण से। सदगुरु कबीर ने कहा है, हंस बगु देखा एक रंग चरे हरियरे ताल, हंस शीरते जानिए बगु ही धरेंगे काल। यहां तो साहब ने सज्जन और दुर्जन उदाहरण दिया है। वैसे ये कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य मात्र के लिए आओ जाना कुल हंस, जितने मनुष्य हैं सब हंस कुल के हैं। विवेकी मनुष्य मात्र में विवेक की स्वाभाविक शक्ति है, शक्ति को भूल गए। जैसे मानस में कहा जाता है जामवंत अंगद हनुमान नल नील और बहुत से वानर सीता की खोज में खोजते खोजते रामेश्वरम पहुंच गए हैं। पता चल गया है कि सीता को हर करके रावण लंका ले गया है, पता चल गया है। सभी समुद्र किनारे बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि 100 योजन का समुद्र है, कौन इसे पार कर सकता है। कोई कहता है कि मैं 5 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है 10, कोई 20, कोई 50, कोई 80, कोई कहता है मैं 100 योजन पूरा का पूरा पार कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। सब अपने अपनी ताकत का अंदाजा लगा रहे थे और उसका बखान कर रहे थे। हनुमान चुपचाप बैठे हुए थे। तब जामवंत ने कहा, हनुमान तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारा जन्म तो राम का काम करने के लिए हुआ है, तुम उठो। हनुमान की बात सुनकर जामवंत की बात सुनकर हनुमान की शक्ति जागृत हो गई, उठे कूदे और चले गए। एक कहानी, तो हनुमान की शक्ति कहीं गई नहीं थी, उनके अंदर थी। जामवंत ने प्रेरणा दी,
हनुमान अपनी शक्ति को पहचान कर जागृत कर लिए और अपना काम कर लिए। ऐसे ही हर व्यक्ति में विवेक की स्वाभाविक शक्ति है, पहचानना है उसको। विवेक पूर्वक काम करेंगे, कहीं भूल ना होगी, गलती नहीं होगी, कहीं दुख भोगने का अवसर नहीं आएगा। जो कुछ दुख हम भोगते हैं अविवेक में, यहां तो सारे साक्षी में कहते हैं कि हंस बगु देखा एक रंग, हंस और बगुला दोनों का एक रंग सफेद और दोनों चरे हरियरे ताल। इस हरे भरे जो संसार ताल है, दोनों चार दोनों जीवन जी रहे हैं, सज्जन भी अपना काम कर रहे हैं, दुर्जन भी, हंस भी तारा चुग रहा है और बगुला भी, लेकिन केवल दूर से वेश को देख करके पहचान नहीं होगी कि कौन हंस है और कौन बगुला है। पहचान होगी कैसे? हंस की पहचान निर्छिर विवेक से होगी, नीर को छोड़ करके शीर ग्रहण कर लेगा और बगुला काल बन करके कीड़े मकोड़ों को खाएगा पकड़ेगा। मतलब जो सज्जन है वो हर जगह से सार ग्रहण करता है, अच्छाइयों को ग्रहण करता है, उलझता नहीं है, विवाद में नहीं पड़ता, गलत रास्ते में नहीं जाता, पहले से पहचान जाता। और जो दुर्जन है या जिनकी दृष्टि संतारी बुद्धि वाली है, वह उलझ जाता है इंद्रियों के भोगों को देख देख कर, विवाद में पड़ जाता है, लड़ाई झगड़े में पड़ जाता है, कला में पड़ जाता है और दुख भोगता है। ज्ञानी वह है, समझदार वह है जो किसी काम को करने के पहले सोच लेता है कि काम सही है या गलत, करना ठीक है या नहीं। और अज्ञानी और नासमझ क्या करता है? करने बाद सोचता है अरे काम गलत था, नहीं करना चाहिए। अज्ञानी ठोकर खाने के बाद सावधान होता है, ज्ञानी पहले सावधान हो जाता है। बस अंतर दोनों में इतना ही है। हमें पहले ही भी जाग जाना होगा, ठोकर खाने के बाद भी यदि जाग जाए तो भी कुशलता है। एक बार गलती हुई, हो गई गलती, ठोकर मिली, दुख मिला, अपमान मिला, अब तो जाग जाए। और ठोकर पर ठोकर खाते गए, दुख पर दुख झेलते गए, अपमान पर अपमान झेलते गए, फिर वही काम, फिर वही काम। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई, सुधार ले, जाग जाओ, अब गलती न दोहराओ। बार बार उसी गलती को करते जाना, ये नासमझी और अज्ञान का लक्षण है। हो गई गलती, दोहराओ मत, परेशान ज्यादा नहीं होगे, जितनी की जो गलती हुई उसका कष्ट भोग लेना बस। लेकिन ठोकर पर ठोकर खाने के बाद भी ना जागना, उसी रास्ते पर चलना, एक अलग है। गुरुदेव जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि आदमी को तो ठोकर लगती ही लगती है, कहीं ना कहीं आदमी धोखा खा जाता है, लेकिन ठोका लगने और जग जाने के बाद चेत गए, बड़ी वीरता है। गुरुदेव जी प्राय सर कहा करते थे, एक बार ठगावे बावन बीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। हम लोग गप्पूनाथ बन जाते हैं, गप्पूनाथ ना बने, एक बार ठगा गए, नहीं समझ पाए तो अब जग जाए। आप में पूरा बल है और तो हम जागना चाहते हैं ना, जैसा बनना चाहते हैं आदर्श हमारे सामने है, सज्जनों का आदर्श हमारे सामने है, वैरागियों के उदाहरण जो विरागी हैं, संत हैं,
जो मुक्तम पुरुष है उनको धारण हमारे सामने है। हम देखते हैं कि हम तो दुखी हैं, लेकिन ऐसा आदमी हमारे सामने तो है ना जो दुखी नहीं होता, ऐसा आदमी हमारे सामने है जो उलझता नहीं है, किसी जाल में फंसता नहीं है। उदाहरण तो हमारे सामने है, उसका आदर ले ले, उससे प्रेरणा ले ले। कितना गलत से गलत व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति उदाहरण लेकर के वो पूरा का पूरा जाग सकता है, दुख मुक्त हो सकता है। पुराने जमाने में भी ऋषियों ने महर्षियों ने बात कही है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, द्वास्तु पर्णा सर्जा सखाया समानम वृक्षे प्रशस्व जाते तयो रण्य पिपलन स्वागत अनुसनन अन्यो अभिशाक शीत। इसमें रागी विरागी का वर्णन है और विरागी को देख करके रागी का जाग जाने का। रागी विरागी मतलब सज्जन दुर्जन, द्वास्तु पर्णा, द्वा दो सुपर्णा सुंदर पंख वाले, सुंदर पंख वाले दो पक्षी है, मतलब एक ही समान ज्ञान गुण वाले दो जीव है। सविजा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र हैं, समानम वृक्षम पर सत्व जाते हैं, एक ही समान वृक्ष में दोनों चिपके हुए हैं। रागी और विरागी दोनों का शरीर एक ही जैसा तो है, अंतर कहाँ है? उसी दुनिया में है, उसी समाज में है, जहां रहते हैं वही है। तो दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, एक ही पेड़ की, एक समान पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों मित्र हैं। होता क्या है? तयोरण्य पिपलन स्वागवत्ति, उनमें से ये पीपल के फल को खाता है। पीपल मतलब पेड़ के फल को खाता है, लेकिन अनफनन अन्यो अभिचाकशीत, लेकिन जो अन्य है दूसरा है, अनफनन है, पेड़ के फल को नहीं खा सकता, नहीं अभिशाकित, केवल देखता है, केवल दृष्टा रहता है। मतलब रागी जीव शरीर के इंद्रियों के भोगों में उलझ जाता है, सुख मान मान करके उन भोगों को ग्रहण करता चला जाता है। परिणाम क्या होता है? दुख पीड़ा, असहाय असमर्थ और दिन बनता चला जाता है। लेकिन जो शरीर के भोगों इंद्रियों भोगों में उलझता नहीं है, दृष्टा रहता, केवल जीवन निर्वाह लेता है और उससे उपराम हो जाता है, तो सुखी रहता, शांत रहता है। इस मंत्र के पूरक रूप में मुंडक उपनिषद में एक मंत्र कहा गया है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनेतया सोचति मुह्यमानः, चुष्टम यदा पश्यतन विस्मर्श मेहमान मीति वित शोका। समानम वृक्षम पर पुरुषो, समान एक समान वृक्ष में बैठा हुआ जो एक पुरुष है, एक जीव है, वो तो क्या है? समानम वृक्षे पुरुषो निमग्नो, निमग्न है, किनमें निमग्न है? दुनिया के राग रंग प्रपंच भोगों में निमग्न है, डूबा हुआ है। सोचति मुह्यमान, मोहित है, शरीर में परिवार में धन में दौलत में राग रंग में मोहित है। इसलिए क्या है? अनिशया, अनिश असमर्थ, दीन है, लाचार है, सोचती शोक में डूबा हुआ है। संसार के भोगों में जितना उलझते जाओगे, जितना इंद्रिय भोगों से अधिक
सुख और आनंद पाने की आशा रखोगे उतना असमर्थ और दीन लाचार होते चले जाओगे। अधिक भोग चाहिए तो अधिक धन चाहिए, अधिक धन चाहिए अधिक परिश्रम चाहिए, नहीं मिला अधिक धन परिश्रम से तो दो नंबर का काम करो। जितना अधिक भोग उतने धन की आवश्यकता, और अधिक धन ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से इकट्ठा नहीं होगा। अधिक धन चाहिए तो दो नंबर का काम करना पड़ेगा, किसी न किसी के हक को मारना पड़ेगा, गलत रास्ते में जाना ही पड़ेगा। और जितना गलत रास्ते में जाओगे उतना अंदर से भयभीत चिंतित और शोकित रहोगे। ये तो इंद्रियों के भोग बराबर बराबर मिलेंगे नहीं, मिले हुए हैं वो छूटते जाएंगे, तो जो मिले हैं वो छूटे ना, जो नहीं मिले हैं वे मिलते जाएं, क्या होगा? रात दिन चिंता में परेशान हो जाए। किसी भी वस्तु की अधिक कामना होगी तो आपको असमर्थ दीन और लाचार होना पड़ेगा। इंद्रिय लंपड़ता आदमी को असहाय बना ही देती है। भागवत पुराण में भी जो मंत्र कहा गया है उसमें भी यही बात है, दरिद्रो यथ संतुष्ट कृपणो यो अजितेन्द्रिय गुणेश शक्त धीरिशो गुण संगो विपर्य। ईश कौन? ईश ईश्वर मालिक महान बड़ा श्रेष्ठ कौन? गुणेश अशक्त, जो प्रकृति के गुणों में दुनिया के राग रंग चमक दमक में साक्षिक्य में उलझता नहीं, मेहनत करता है, जीवन का निर्वाह करता है, परिवार पालन पोषण करता है, अधिक राग रंग अधिक भोग की लालसा अधिक चमक दमक अधिक दिखावा में जो नहीं पड़ता वो ईश्वर हो जाता है, समर्थ मालिक हो जाता है। लेकिन गुण संगो विपर्य, जो जितना भोग मूलता जाता जितना का अधिक कामना अधिक कामना अधिक कामना अधिक चाहना और अधिकार में रखने की लालसा उतना असमर्थ दीन दुखी लाचार परेशान रहता। ऋषि यही कहते हैं, समाने वृक्षे वृक्षम पुरुषो निमग्न अनिशया सोचति मोह्यमान। वो जो पक्षी है, वो जो रागी जीव है, राग रंग चमक दमक में निमग्न है, डूबा हुआ है, इसलिए मोह्यमान मोहित है, भ्रमित है, शोक करता है और अनिश असमर्थ लाचार। अपने जीवन को देख करके हम अनुभव कर सकते हैं, जहां जहां जिसकी ज्यादा आसक्ति है वहीं वहीं आदमी कमजोर होता है। रावण को मोह हुआ सीता में, कमजोरी वही आई। कीचक को मोह हुआ शैलेंद्रिय में, कमजोरी वही आई। पृथ्वीराज को मोह हुआ संयुक्तता में, कमजोरी वही आई। और कैकेयी को मोह हुआ भरत में, कमजोरी वहां आई। दशरथ को मोह हुआ कैकेयी और राम में, कमजोरी वही आई, वही लाचार बन गए। जब राजा दशरथ राम के रात तिलक की तैयारी करके
कैकेयी के भवन में आए, सुने कि कैकेयी को भवन में है, सुख गए, दुखी परेशान कैकेयी के पास गए और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगो वो दे दूंगा, तुम्हारा बैरी अमर भी होगा उसको मार डालूंगा, यहां तक अपना बल कर डिंग मारते हैं दशरथ कि तुम्हारा अमर बैरी को भी मैं पराजित करने की शक्ति रखता हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बल का बखान कर रहे हैं, लगता है कि उसे बड़ा बलवान दुनिया में और कोई है नहीं। लेकिन जब कैकेयी ये कहती है कि राम का वनवास होते ना, तो वही दशरथ कैकेयी के पांव पड़ते हैं, इतना समर्थ हो गया ना, लाचार हुए कि नहीं हुए, अनिश हुए कि नहीं हुए, मुंह है वहां पर, राम के लिए मुंह है, कैकेयी के लिए मुंह है, अभी तक जो अमर शत्रु को भी मारने के डिंग बखार रहे थे वो एक स्त्री के सामने जाकर के नाक रगड़ रहे हैं, क्यों, मुंह ये माना डूबा हुआ है। तो जहां जहां आसक्ति होगी आदमी वही वही आदमी लाचार है या बलवान भीतर, अरे वो तो छोड़ दो, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, रुपया पैसे की आसक्ति, ये तो छोड़ दो, इतना बड़ा आदमी जिस आदमी के लिए कहा जाता है दुनिया का सिरमौर प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जिस आदमी के लिए कहा जाता है कि आदमी ज्ञान का भंडार है, जिस आदमी ने कहा जाता है आदमी में महान शक्ति है, आदमी क्या नहीं कर सकता, वो आदमी एक बीड़ी के लिए लाचार हो जाता है, बीड़ी ना मिले तो देखो क्या दशा होती है, आदमी बिक गया ना, रंक निवास करे वह राजा भूपति करे भिखारी, सदगुरु कबीर कहते हैं, ये मनुष्य के मन की माया, मनुष्य के मन की आसक्त, मनुष्य के मन का मुंह ऐसा खेल खेलती है, सब खेलते हैं ये सब, कि रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंग, बीड़ी में तंबाकू में क्या है, कुछ नहीं, लेकिन बना लिया आदमी ने आदत, बीड़ी के लिए गुलाम बन गए, अनिश बन गया, लाचार, दिन दुर्बल, जिस किसी के सामने आदमी को हाथ फैलाना पड़ता है, बीड़ी की कोई कीमत नहीं, लेकिन वो श्रेष्ठ बन गए और आदमी जो महान है बीड़ी का गुलाम बन गए, बीड़ी ना मिले तो कौन नुकसान है, आदत के कारण जितने हम आदत बनाते हैं, आसक्ति बनाते हैं, उतने दिन दुर्बल होते चले जाते हैं, अपनी महानता को, अपनी क्षमता को, अपने अपनी ताकत को खो देते हैं। जीवन है, जीने के लिए खाना पीना पड़ता है, अनेक वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है, तो उपयोग करो, खाओ पियो खिलाओ, उपयोग करो, लेकिन यदि समर्थ बन करके, सबल बन करके, स्वस्थ होकर के जीना है तो किसी भी वस्तु में और किसी भी प्राणी में, किसी मनुष्य में आसक्ति की डोरी से अपने मन को बांधो मत। कभी ये मत सोचो और कभी ये बात अपनी जबान से मत कहो कि अमुक चीज न मिले या अमुक आदमी नहीं मिला तो जीना बेकार, वही आप गुलाम बने। किसी आदमी को कह दो कि तुम गुलाम हो, वो दुखी हो जाएगा,
परेशान और गुस्सा में भी आ जाएगा, तुमने मुझे गुलाम कैसे कर दिया। लेकिन सोचें आपका मन गुलाम है या नहीं, कहने के पता है या नहीं। हमारा मन हर व्यक्ति सोचना चाहिए कि हमारा मन कहां कहां पता है, कहां कहां गुलाम बना हुआ है। सुबह बात आई थी कि राजनीतिक गुलामी से तो आजादी मिल गई है, लेकिन अपनी आदत, अपनी तृष्णा, अपनी विषयाशक्ति, अपनी भोग कामना, इसी गुलामी से आजादी मिली है? अपनी आदतों से आजादी मिली है? आजादी मिली है तो दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? इसलिए कभी भी ये मत कहो कि अमुक चीज नहीं मिली या अमुक आदमी नहीं मिला तो जीना बेकार है, वही आप गुलाम बने। चीज बड़ी हो गई और आप छोटे हो गए, चीज मालिक बन गई और आप गुलाम बन गए। क्यों? आपने बेच दिया अपने को, मोहित माना, मोहित हो गए उसमें, निमग्न होकर डूब गए। ये क्यों नहीं सोच पाते हैं आप? जिस चीज के लिए आप यह कह रहे हो कि वो चीज ना मिले तो मैं जी नहीं पाऊंगा, उस चीज के बिना दुनिया में करोड़ों लोग बड़े आराम से जी रहे हैं, आप क्यों नहीं जी पा रहे हो? फर्क कहाँ है? जिसके बिना आप जी नहीं रहे हो, करोड़ों करोड़ों लोग उसके बिना आराम से जी रहे हैं। क्यों? आपने आदत बना ली, आसक्ति बना ली, मोह बना ली। अब उन लोगों ने ना आदत बनाई, ना आसक्ति बनाई, ना मोह बनाया, इसलिए वो स्वतंत्र हो उसके लिए और आप गुलाम हैं। ये गुलामी की जिंदगी कब तक जीते रहोगे? अनिश बनकर, दुर्बल बनकर कब तक जीते रहोगे? जागने का आवश्यकता है। अगली पंक्ति में ऋषि जागने की बात कहते हैं, तो समानम वृक्षम पुरुषे निमग्नो यनी सया सोचति मोहयमाना। एक ही समान पर रहते हुए, एक ही समान शरीर पर रहते हुए भी एक जीव रागी जीव, भोगों में मोहित है, निमग्न है, डूबा हुआ है, इसलिए अनिश, लाचार, दिन दुर्बल और शोक में। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, हमसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। ये मनुष्य स्वभाव से सबल महान, लेकिन हल्का क्यों हो गया? अपनी चाल के कारण। जितनी चाल आपकी गलत होगी उतने आप हल्के होते चले जाओगे। चाल ठीक बना लो, हाल अपने आप ठीक हो जाएगा। हाल सुधारने के लिए चाल सुधारना पड़ेगा। हम किसी से पूछते तो हैं, कहो भाई क्या हाल चाल है? कहते मेरा सब ठीक ठाक है, लेकिन चाल ठीक नहीं तो हाल कहाँ ठीक होगा? तो हल्की अपनी चाल, इस चाल का मतलब कर्म, आचरण, व्यवहार, इन सब हल्के हो गए। लेकिन होता क्या है? प्रेरणा कहाँ से लेनी है? जागना कहते हैं जुष्टम यदा पश्यतन मिश्मस मेहमान वीति वीत शोका। जुष्ट प्रसन्न पश्यत देखता है अन्यम दूसरे को, वो कहता है ईश रागी जीव दुनियादारी के मोह माया राग रंग प्रपंच चमक चमक में डूब करके जो दुखी है, परेशान, चिंतित और भयभीत है, वह अपने समान एक दूसरे मनुष्य को देखता है, वो प्रसन्न है, आनंद से भरा पड़ा है उसका मन, उसका जीवन, कहीं वो लाचार नहीं हो रहा है, किसी का आगे हाथ नहीं फैला रहा है। तब क्या करता है? उसको देख करके वह भी वैसे हो जाता है,
वो सोचता है आखिर इनमें मुझ में अंतर क्या, जैसा मेरा शरीर वैसा इसका शरीर, जैसे मैं व्यवहार करता हूँ वैसे ये व्यवहार करता है, लेकिन मैं दुखों में डूबा हुआ हूं और ये जरा भी दुखी नहीं होता, मैं प्रसन्नता तलाश में भटक रहा हूं, ये हर में प्रसन्नता में भरा पड़ा हुआ है, क्यों? वो देखता है, जब देखता है तो समझ में बात आ जाती है कि मेरे मन में चमक दमक का मोह है, राग रंग का मोह है और इसके मन में कहीं मोह नहीं, मेरे मन में तमाम चीज पाने की ख्वाहिश है, इसके मन में कोई ख्वाहिश नहीं, काम करता है, मेहनत करता है, खाता खाता जीता है, तब वह भी अपनी भूलों को सुधार लेता है, अपनी गलतियों को आदतों को सुधार लेता है, जहां जहां मन डूबा हुआ था वहां वहां से मन को निकाल लेता है, चमक दमक में भूलता नहीं, तब क्या होता है? महिमानम इति वीत शोका, वह भी अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है और वीत शोक हो जाता है, शोक रहित। यहां जितने संत बैठे हुए हैं साधु वेश में, वे सब कैसे घर छोड़े? किसी ना किसी साधु को देकर ही छोड़े हुए जरूर। देखिए कि अरे साधु है, महात्मा है, साधना मत में चल रहे हैं, मस्त है, कोई दुखी नहीं है, मुझे ऐसे बनना है, प्रेरणा होगी, देख करके प्रेरणा होगी ना। तथागत बुद्ध के लिए कहा जाता है, रोगी को देखे, बूढ़े को देखे, मृतक को देखे, उदास लागे, कि रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, इनसे बचने का रास्ता क्या है, कैसे बचा जाए? ये दुख तो प्रत्यक्ष है, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, ये तो प्रत्यक्ष है, इसे इनकार कौन कर सकता है? इसे बचने का रास्ता क्या होगा? तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा, मस्त, कुछ नहीं, चीवर पहना है, हाथ में भिक्षा पात, मस्त, चेहरे में प्रसन्नता, संतोष की झलक। कहा कि ये दुखी नहीं, कहा कि मैं भी ऐसे बन सकता हूं? सन्यासी का, हाँ मेरे जैसे तुम भी बन सकते हो, बस वहां से जाकर यदि रोगी को, बूढ़े को और मृतक को देखकर देखे होते, माते इतने थे तो वो जागते ना, वो सन्यासी को उन्होंने देखा। ये जैसे और लोग दुखी हैं, वैसे दुखी नहीं है, औरों के पास घर है, मकान है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, रुपये पैसे हैं, फिर भी दुखी, इसके बाद कुछ नहीं, फिर भी मस्त, क्यों? इसलिए मात्र अंतर कहां है, क्योंकि वो कहीं मोहित नहीं है, उन्होंने कोई गलत आदत नहीं बनाई, किसी भोग के उसके मन में कामना ही नहीं, कुछ कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए मस्त। और कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग घर छोड़ दो, घर छोड़ने की बात नहीं, बात यह है कि जिसको आप पाना चाहते हो, पाकर तृप्त होना चाहते हो, मोक्ष, परमानंद, परम शांत, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, वो आपका अपना अस्तित्व है, आपका स्वरूप है, अस्तित्व नहीं, आपका स्वरूप है, स्वरूप। स्वरूप का अर्थ क्या होता है? स्व खुद रूप पदार्थ, अपना रूप, अपना पदार्थ, अपना पदार्थ क्या है? आपका होना, ब्रह्म आपका पदार्थ है, आपका स्वरूप है, आपका होना है, ईश्वर परमात्मा आपका होना है,
भगवान आपका होना है, पाना नहीं है भगवान, आप खुद भगवान रूप है, पहचानना है। धर्म के क्षेत्र में यह कहा जाता है, आदमी को चाहिए कि वह गुरु की शरण में जाए, किसी न किसी गुरु से जुड़े। क्यों? क्योंकि गुरु से जुड़ने पर गुरु साधक को, शिष्य को भगवान से मिलने का रास्ता बता देता है, और उसके बताए रास्ते पर चलकर साधक भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाता है। ये अधूरी बात है और गलत बात है। ये उन गुरुओं की बात है जो गुरु स्वयं अधूरे हैं और गलत मार्ग में, भूले रास्ते में जा रहे हैं। सच्चे गुरु किसी को भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताते। तो आप कहोगे भाई गुरु क्या सकता है, क्या है तो भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताए? तो जो नकली गुरु है और असली गुरु है उसमें अंतर क्या है? जो नकली गुरु है, जो भटके हुए हैं, वो साधक शिष्य को भगवान से मिलने का रास्ता बताता है, और जो सच्चे गुरु वो साधक शिष्य को भगवान होने का रास्ता बताता है। अंतर हो गया ना दोनों में। मिलना बाहर से होता है, होना खुद में होता है। बाहर भगवान मिलेगा छूट जाएगा, और होना हो गए हम, अब छूटना क्या है? आप भगवान हैं, भूल गए हैं, पहचानना है। गुरु वही रास्ता बताता है, भगवान होने, भगवान पाने का नहीं, भगवान होने का। भगवान होने मतलब ऐसा नहीं समझ लेना भगवान, हम भगवान हो जाएंगे तो हम ये दुनिया छोड़ करके फिर दुनिया बनाएंगे, ऐसा भगवान नहीं होना है, वो तो कल्पना है। भगवान होने का मतलब है कृतार्थ होना, क्योंकि आप कृतार्थ रूप हैं, आप कल्याण रूप, आनंद रूप हैं, भूल गए। गुरु उस भूल को परखाते हैं, और जिस हमारी भूलों ने, हमारी गलतियों ने, हमारी आसक्तियों ने हमारी भगवत्ता को ठक रखा है, उनको उघाड़ने का रास्ता बताते हैं, अनावरण करने का रास्ता बताते हैं। आपका जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपके भीतर है, पहचानना है और अनावृत कर देना है। बस अनावृत कैसे करना है? कमजोरियों को त्याग दो, चमक दमक का मोह त्याग दो, अनावृत हो जाएगा भगवान। मूल रूप में आप वह हैं, आपकी मौलिकता है वह, लेकिन हमें हमारी मौलिकता का ख्याल नहीं। हम शरीर को तो सब कुछ मान लिए, और शरीर के इंद्रियों के जो भोग हैं उनको जीवन का लक्ष्य मान लिए, भटक गए। शरीर तो हमारे कर्मों के जोर से बन गया है और मिट जाएगा। शरीर हमारे अपना स्वरूप नहीं है, बाहर से मिला हुआ है, तत्वों से निर्मित। हमारा स्वरूप इसमें होते हुए भी हम इससे अलग हैं। रहना इसी शरीर में, इसी शरीर में रह करके ऐसा काम करना है कि शरीर का मोह छूटे और शरीर का बंधन कट जाए, अब कोई साधन नहीं होगा। शरीर में नहीं आना है, इसके लिए शरीर में रह करके ही काम करना, अलग से काम नहीं हो सकता। शरीर में है आज, ठीक है, रहना गलत नहीं है, लेकिन शरीर में मोह करना गलत है, और शरीर के इंद्रियों के भोगों में उलझना गलत है। शरीर है, सेवा करो, साधना करो, लोगों से प्रेम का व्यवहार करो, मन को ऊपर उठा करके रखो, सब बढ़िया हो जाएगा।
कहां जाएंगे? जब भी आपको कल्याण का काम परमानंद पाना होगा, इसी धूल धक्कड़ भरे दुनिया में, इसी हल्ला गुल्ला भरे दुनिया में, इसी गंदगी भरे दुनिया में ही काम करना होगा। दुनिया में रहना गलत नहीं है, दुनियादारी में रहना गलत है। और दुनियादारी क्या है? ये राग रंग में उलझना, प्रपंच में उलझना, तमाम ख्वाहिशों में उलझना, ये दुनियादारी है। दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा, शरीर ही दुनिया है ना। सबसे बड़ी दुनिया हमारे लिए हमारा शरीर है, और जब तक हमारा शरीर है तब तक बाहरी दुनिया की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। मिटा को कहते हैं भीतर की जो दुनिया है, इच्छा कामना प्रपंच, उसी को मिटाने का काम करना है। वही हमें असमर्थ बनाती है दुनिया में। मिटा दो, ईश बन गए, मालिक बन गए आप। ईश होने का मतलब मालिक बनना, समल बन जाना, वो आपका स्वरूप है, आपकी मौलिकता है, उसे पहचाने, पहचान करके उसमें स्थित हो जाए, बस करना कुछ नहीं है। तो जब तक पाने की इच्छा रहेगी तब तक भटको, है उसमें ठहरना, होना भी नहीं है, है ठहरना, समझना। होने के बाद इतने कही जाती है कि हम कुछ और हो गए, भग गए हैं रास्ते, इतने होने के बाद आप खुद भगवान हैं। समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए अलग भगवान पाकर के पूरा होना चाहते हैं। कैसे होगा, होंगे आप पूरा? भगवत्ता का अर्थ क्या है? मैंने कहा था भगवत्ता का अर्थ है कृतार्थता। और कृतार्थता कैसे आएगी? जितने भी अनावश्यक चीजें हैं उनको हटा दो। जैसे मेरे शरीर में रस्सियां बंधी हुई है, 100, 200, 400, 1000, 2000, 5000 रस्सियां बंधी, छोटी बड़ी। इन रस्सियों के बंधन से मुझे मुक्त होना है, तो क्या करना है मुझे? मुक्ति को बाहर दे पाना है मुझे? किसी कोई कृपा करे मुझे मुक्ति देगा? करना कुछ नहीं है। एक एक रस्सी को, एक एक रस्सी निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, एक एक रस्सी निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई, और निकलते 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 सारी रस्सियां निकल गई। सारी रस्सियों का हमने निकाल दिया तो शेष क्या रह गया? वही आपका मोक्ष तत्व ही रह गया ना। मिला कुछ? आप जैसे थे वैसे ही रह गए, बस ये रस्सी बांध बांध करके ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की, बैर की, विरोध की, घृणा की, लोभ की, मोह की, तमाम पता नहीं क्या क्या हम रस्सी बांधते गए, बांधते गए, बैर विरोध की पता नहीं रस्सी बांधते गए, बांधते गए। अब हमारा ओरिजिनल स्वरूप ढक गया, हम भूल गए, हमने मान लिया यही है। इनको काटते जाए, काटते जाए, काटते जाए, अब ईश हो गए, भगवान हो गए, कुछ भी पाना नहीं है। इस बात को समझना है, और इस बात को आपको कैरपंथी महात्मा ही बताएंगे, नहीं तो बाहर तो अब दूसरे आपको भटकाने वाले मिलेंगे। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, पाना कुछ नहीं है, ना पाना है, ना जाना है, बस ठहर जाना है, रुक जाना है, समझ लेना है, और जहां के तहां रुकना है। मैंने शुरू की थी अपनी बात, जितने मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं, जितने प्राणी हैं, मूल रूप में सब एक समान, शुद्ध बुद्ध निर्मल है। निर्मलता को पाना कुछ नहीं है। हमारा कपड़ा निर्मल था, धूल गर्दे काली खलक करके गंदा हो गया, साबुन और पानी से धो दो, शेष जो रह जाएगा, सारी गंदे हटने बाद जो शेष जो रह जाएगी वो आपके कपड़े की निर्मलता होगी। पाना कहाँ, लाना थोड़े कपड़े,
यही करना है। तो जीव मात्र का स्वरूप निर्मल निर्विकार शुद्ध बुद्ध पाने की आशा ही भटकाती है, पाने की आशा ही रुलाती है, पाने की आशा ही बांधती है। पाना कुछ नहीं है, केवल मोह अहंता ममता का त्याग कर देना है, मन में जो विकार बना रखे उनका त्याग कर देना है। कट गई मोह माया का जाल, कट गया सारे विकारों से रहित हो गए, शेष जो रह गया वो आपका ब्रह्म तत्व। कहते ना कि शेष शाही विष्णु भगवान शेष नाग पर सोया हुआ है, प्रतीक है। सांप पर भला कोई सोएगा कैसे? विष्णु भगवान सांप पर सोया हुआ है, लक्ष्मी पैर दबा रही है, अर्थ क्या है जानते हो? इतनी पूजा तो करते हो, विष्णु पैर के पैर दबा रही है लक्ष्मी, कभी छोड़ती नहीं लक्ष्मी विष्णु को, पैर दबाती है, कहीं भी देखो देखो ये चीज दिखाई पड़ेगी। और दूसरी तरफ क्या मानते हैं? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर कर जाती जाती है। खास बात यह है कि विष्णु भगवान शेष नाग पर सोया हुआ है। शेष का अर्थ क्या होता है? बचा हुआ। भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जो बच जाए वो शेष। ऐसे ही आपने जो विकार बना लिखा है, मन में जो अंत मत बना कर छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, सब छोड़ने पर जो शेष रह जाएगा वो विष्णु हो जाएगा, वो आपका आपा है। अब फिर करना क्या है? सुख से जीना है, दुख दुनिया है, तो लक्ष्मी को सदैव अपने पैर पर रखो। लक्ष्मी को सिर पर रखोगे ना तो बनोगे उल्लू, बनोगे लक्ष्मी उल्लू सिर पर सवार होती है, अब विष्णु पैर दबाती है। यदि विष्णु बनना है तो लक्ष्मी को सदैव पैर पर रखो, धन का मोह त्याग करके जो आप विष्णु बन जाओगे, और सिर पर सवार होगे ना तो उल्लू बनोगे, मर्जी आपकी। विष्णु बनना है कि उल्लू बनकर जीना है? जहां धन का लोभ किए उल्लू बने, और जहां धन को पैर पैर के नीचे रखे बन रखे आप विष्णु बन गए। अब चाहे उल्लू बनकर जियो चाहे विष्णु बनकर जियो, बात यह है आप विष्णु हैं। लक्ष्मी क्या है? अहंता ममता मोह माया, सिर पर रखोगे तो उल्लू बनोगे, दुखी बनकर जियो, और अहंता ममता को पैर के नीचे रखोगे, मोह माया को पैर के नीचे रखोगे तो विष्णु बन जाओगे, भगवान बन गए, कल्याण हो गए, वो आपका मौलिक स्वरूप है, उसी में जीना है। संत गुरुजन हमें उसी की याद दिलाते हैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।